हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक राजेंद्र अग्रवाल है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिनको भारत ही नहीं अभी तो पूरा विश्व जानता है, उनसे इंस्पिरेशन लेता है। वो है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्रनाथ दत्ता। स्वामी विवेकानंद जी के पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता, उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो एक हाउसवाइफ थी और शिव की बड़ी डिवोटी थी। स्वामी विवेकानंद जी एक नटखट बालक थे। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ में शरारतें करते थे। उन्हें घूमना, दोस्तों के साथ में शरारतें करना बहुत पसंद था। स्वामी जी अपने मम्मी के लाडले थे। जब भी स्वामी विवेकानंद जी शरारतें करते तो उनकी मम्मी उनको डांटती थी और बोलती थी कि मैंने शिव जी से इतना प्रार्थना की, इतनी पूजा पाठ की कि मुझे एक पुत्र हो और शिव जी ने मुझे एक नटखट बालक दे दिया। दोस्तों, आज मैं स्वामी जी के कुछ असल घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा कैसे नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद बने। स्वामी विवेकानंद जी ने 1881 के अंदर फाइन आर्ट्स एग्जाम पास कर दी और 1884 के अंदर बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट्स हासिल किया था। स्वामी विवेकानंद जी का परिवार रिलीजियस था। उन्होंने कई रिलीजियस बुक्स पढ़े, कई किताबें पढ़ी, अलग अलग ग्रंथ पढ़े, वेद पुराण आदि सब पढ़े। स्वामी विवेकानंद जी ने दूसरे धर्मों के बारे में पढ़ा, उनको जाना, उनको समझा। स्वामी विवेकानंद जी के टीचर बताते कि स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। स्वामी विवेकानंद जी ने हर धर्म की किताबें पढ़ी, हर एक लिटरेचर को देखा। स्वामी विवेकानंद जी ने यूरोपियन, वेस्टर्न सब सिविलाइजेशन सब उनके लिटरेचर्स को पढ़ा, समझा, जाना। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना बहुत पसंद था। विवेकानंद जी को हर एक धर्म के बारे में जानने के बाद में उनको भगवान के बारे में जानने की उत्सुकता हो। एक बार उनके टीचर ट्रांस का मतलब समझा रहे थे, तभी स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि आपने भगवान को देखा है? उनके टीचर ने कहा, नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन एक व्यक्ति है जिन्होंने भगवान को देखा है, वो है रामकृष्ण परमहंस, आप जरूर उनसे मिलो। स्वामी विवेकानंद जी हर एक व्यक्ति से मिले और उनको प्रश्न कहा कि आपने भगवान को देखा है? किसी के पास ये उत्तर नहीं था, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति थे जिनके पास ये उत्तर था, वो थे रामकृष्ण परमहंस, जो आगे चल के स्वामी विवेकानंद जी के गुरु बने। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो पहुंचे तब कई लोगों ने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, कई लोगों ने उनको नीचा दिखाया। स्वामी विवेकानंद जी को कई लोगों ने अपमानित किया, कई लोगों ने बुरा बना बोला, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी बात का बुरा नहीं माना। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनके सामने कुछ लड़कियां बैठी हुई थी जो स्वामी विवेकानंद जी का मजाक उड़ा रही थी। स्वामी विवेकानंद जी के हाथ में खड़ी थी जिनको जयपुर के महाराजा ने दिया था। जो लड़की उनका मजाक उड़ा रही थी, जो उनको तंग कर रही थी, स्वामी विवेकानंद जी ने उनका बुरा नहीं माना। अभी अचानक उन लड़कियों की नजर स्वामी विवेकानंद जी के घड़ी पर पड़ी और उनके मन में लगा चाह गया। स्वामी विवेकानंद जी को लड़कियों ने कहा कि अगर तुमने ये घड़ी नहीं दी तो हम टिकट कलेक्टर को कह देंगे कि तुम हमारे साथ छेड़छाड़ या जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी शांत रहे और ऐसा दिखाने लगे कि वो गूंगे बहरे हैं। वो इशारों इशारों में कहने लगे कि आप ये सब जो भी बोल रहे हैं आप मुझे लिख के दे दीजिए। उन लड़कियों ने जो भी उनको चाहिए था, उनको वो घड़ी चाहिए थी, तो वो लिख के दिया कि अगर तुमने ये घड़ी नहीं दी तो हम पुलिस को कंप्लेंट कर देंगे कि आपने हमारे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, और वो लेटर स्वामी विवेकानंद को दे दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अभी तुमको जिसको बुलाने का बुलाओ। इस दोस्तों, ये ऐसी ऐसी बातों से हमें उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड का पता चलता है। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, कभी भी किसी से ना डरो। स्वामी विवेकानंद जी का एक फेमस कोट है।